तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉग सेटअप में। सिग्नल है आगे में, ये देखिए साफ बना के चल रहा है, ये देखिए। अरे भैया बिना इंडिकेटर दिए ये वाला चेंज पॉकेट चेकआउट। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, और होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और सोच रहे होंगे गाइस कि कैफ भाई फिर से लगता है कुछ राइड लेकर आया इस ब्लॉग में। तो गाइस इस ब्लॉग में राइड नहीं लेकर आया है, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरी गाड़ी पे। और मैं अभी जा रहा हूँ गाइस अपने गाड़ी का चेंज स्पोकेट चेंज करवाने, और मेरा स्पोकेट अभी खरीदे नहीं है, पहले जाएंगे रांची की तरफ स्पोकेट लेने, और उसके बाद फिर जाएंगे अपने फ्रेंड अंकित के पास, वहीं से लगवाएंगे। तो गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और इसी का स्पोकेट पूरा टूट चुका है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। और यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा, स्पोकेट पूरा ख़त्म हो चुका है, स्पोकेट पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी इसी को लेने जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रहा टोपो मेरा भाई। क्या हाल है ब्रो, सब बढ़िया? तो टोपो और मैं जा रहा हूँ, ठीक है इधर से चलते हैं रांची की तरफ, स्पोकेट खरीदते हैं पहले, अब बाकी बातें करते हैं आपसे मोटो व्लॉग में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप में, और जैसा कि देख रहे होंगे कि इसी से पिछले वीडियो में मैं इसी रास्ते से जा रहा था जहाँ पे मैं आपको लेके गया था पहाड़ की तरफ। और आज जा रहा हूँ गाइस मैं अपने गाड़ी का चेन स्पोकेट चेंज करवाने, और मेरा गाड़ी का चेन स्पोकेट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है गाइस, इतना ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना गाइस कि क्या ही बोले। अचानक से गियर लेते हैं तो पूरा आवाज़ करने लगता है, और ये गाड़ी को मेंटेन करना बहुत ही दिक्कत वाला चीज़ है गाइस। अगर गाड़ी आप लोग यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और गाड़ी को अगर मेंटेन नहीं करेंगे गाइस तो किसको मेंटेन करेंगे आप लोग बताइए कमेंट करके। गाड़ी एक इमोशन है गाइस, ये मेरी इमोशन है, इससे मेरा बहुत सारा प्यार जुड़ा हुआ है गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर एग्रीकल्चर वाले रास्ते से सीधे ब्लॉक चौक से हम लोग सीधे जाएंगे गाइस रांची रोसपा टावर, जहाँ पे रांची का स्टिकरिंग शॉप है, वहीं पे मिलेगा मेरे को चेन स्पोकेट। और मैं लगा रहा हूँ गाइस रोल ऑन का लगा रहा हूँ, एमटी का जो ओरिजिनल आता है यामाहा का वो मैं नहीं लगवा रहा हूँ, मैं लगवा रहा हूँ इस पर परफॉर्मेंस वाला, क्योंकि यामाहा का जो ओरिजिनल चेन स्पोकेट रहता है बहुत ज़्यादा ही वो दिक्कत करता है गाइस, और मैं ज़्यादा चलाया भी नहीं हूँ। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, 11,313 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और उसमें मेरा स्पोकेट पूरा ख़त्म हो गया। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे हैं इतना कम चलाने के बाद, और गाड़ी का ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 10 ही महीना हुआ लिए हुए, और इतना जल्दी चेन स्पोकेट कैसे ख़त्म हो गया। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्पोकेट इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही रश राइड किया था शुरू में, जब गाड़ी लिया था तब बहुत ज़्यादा ही पागल के जैसा गाड़ी चला रहा था, मतलब राइड का जुनून था गाइस, और राइड नहीं करूँगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ अपना गाड़ी पे चेंज करवाने स्पोकेट को, और किसका कॉल आ रहा है गाइस, ये कंपनी वाला बहुत ज़्यादा पेड़ता है। मैं बात कर रहा था कि मैं शुरू जब गाड़ी लिया था तब मेरे को राइड का बहुत ज़्यादा शौक था गाइस, इतना ज़्यादा था कि मैं क्रैश भी कर गया था, और क्रैश कैसे किया था गाइस मैं बता रहा हूँ, स्टंट करने पे। व्हीली मेरे को शुरू नहीं आता था, मैं धीरे धीरे करके सीखा, और थोड़ा लंबा व्हीली मारने लगा तो उस पर मेरा ब्रेकिंग कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से मैं गिर गया, क्रैश कर गया था, और व्हीली की वजह से भी स्पोकेट जल्दी ख़त्म होता है। हेलो आएगा ना कि? हाँ ब्रो निकल गए हैं, बस लेने जा रहे हैं अभी रांची रास्ता में। उसका पैसा हम लोग देंगे, ग्रीस लेते आ देना तो छोटा वाला। तो गाइस कैसा आवाज़ कर रहा है स्पोकेट आप लोग चेक आउट कीजिए साउंड को। और गाइस मेरा दोस्त कॉल किया था कि आ रहा है या नहीं, तो गाइस मैं तो उसी के पास जाऊंगा पहले स्पोकेट तो खरीद लूं, वो भी बोल रहा था एक ग्रीस लेने के लिए, अब वहीं जाके देखते हैं कौन सा ग्रीस बोल रहा था, वो बात करवा देंगे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इधर से सीधे रोसपा टावर, और रोसपा टावर में चल के स्पोकेट खरीदेंगे, और स्पोकेट खरीदने के बाद सीधे जाएंगे अपने दोस्त अंकित के पास। तो चलिए गाइस इधर से चलते हैं, थोड़ा गाड़ी को भगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रहा है। आप लोग मेरा हाथ का एक थ्रॉटल देख सकते हैं गाइस, और 6 गियर में है, 60-65 का स्पीड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही कम स्पीड है गाइस, ये 6 गियर में 65 का स्पीड चलना ये कोई स्पीड नहीं हुआ गाइस। अब मैं गाड़ी को ज़्यादा भगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पोकेट पूरा फूक चुका है, और अभी मैं हूँ गाइस अपने घर के तरफ से ब्लॉक चौक की तरफ, और इधर से आरसंडे होके निकलेंगे, आरसंडे तो पार कर चुके हैं, और अभी इधर से जाना है गाइस बोड़िया की तरफ, बोड़िया की तरफ से निकलेंगे हम लोग मोराबादी, और मोराबादी से सीधे जाना है गाइस रोसपा टावर। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि स्पोकेट चेंज करवाऊँगा, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं करवा पा रहा था, इसलिए मैं आज निकला हूँ। और मेरा कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है गाइस अब,
कॉलेज भी खुल चुका है और अभी कॉलेज का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा काम वगैरह करवा लेते हैं अपने गाड़ी पे। और कॉलेज खुल जाने के बाद तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि उसके बाद पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा सही से। 10 दिनों के बाद हम लोग का ईद आने वाला है गाइस, और ईद में क्या करना चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कि ईद में कहाँ पे मेरे को जाना चाहिए। ऐसे तो ईद में मैं सोच रहा हूँ कहीं नहीं जाऊँ, क्योंकि घर पे रिलेटिव्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोग का बहुत ही अच्छा त्यौहार है गाइस, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ईद हम लोग का। 1 महीने का रोज़ा रखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग का ईद आता है। तो ईद में इस बार सोच रहा हूँ कहीं जाऊँ नहीं, और होममेड व्लॉग बना लूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बना दूंगा, और आप कमेंट करके बताना गाइस कि अगर होममेड व्लॉग रहेगा, अगर घर का व्लॉग आप लोग को चाहिए ईद के दिन का, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर मोटो व्लॉग चाहिए, या कहीं पे मैं राइड पे जाऊं, तो वो भी कमेंट करके बताइए गाइस आप लोग मेरे को ईद में कहाँ जाना चाहिए। और थोड़ा संभल के चलना होगा गाइस, क्योंकि यही एक रांची का है सबसे ख़तरनाक वाला ट्रैफिक एरिया, और यहाँ पर अगर पुलिस पकड़ लेगा तो फिर बहुत दिक्कत है, इसलिए मेरे को थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा गाइस। गाड़ी के पीछे रहता हूँ और पुलिस तो बीच में ही है, इसलिए मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा इधर से। इधर से चेकआउट कीजिएगा, इधर से हाथ दे रहा है वो पुलिस वाला, इसलिए मेरे को जल्दी से इधर निकलना पड़ेगा। आइए देखिए देखिए देखिए, साफ बना के चल रहा है, कैसे चलता है पता नहीं चलता है गाइस। ले लिया है बड़ा बड़ा गाड़ी, और चलाने का अकल नहीं है ये लोग को, पागल के जैसा चल रहा है ना, मेरे को जगह दे रहा नहीं। ये देखिए गाइस, ये देखिए देखिए, पागल के जैसा चल रहा है। देखिए गाइस, पागल के जैसा कैसे चल रहा है, आराम से बैठ गया रईस का जैसा, और गाड़ी चला आ रहा है पागलों की तरह। समझता है कि वो अपने बाप का रोड है जैसे। 1 बज गया लगता है गाइस, 1 बज चुका है, और कब तक काम होगा ये तो मेरे को नहीं पता। इधर से अभी फिर काके भी जाना है अपने फ्रेंड के पास, उधर ही जाके लगवाना है स्पोकेट को। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अरे भैया बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देते हैं, क्या ही बोलूँगा इधर, ऐसे ऐसे छूटते हैं लोग को, बिना इंडिकेटर दिए मोड़ दे रहा है, जा रहा है ऐसे गाइस, और अचानक से इधर मोड़ दे रहा है। और अब पहुँच ही गया हूँ गाइस इधर पे, और अभी इधर से ही जाना है गाइस, देखते हैं वो है कहाँ पे। पहुँच तो गए हैं जहाँ पे मेरा फ्रेंड बोल रहा था, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं पहले, और उसके बाद फिर समीर को कॉल करते हैं। तो चेकआउट कीजिए गाइस, मेरे साथ समीर आरसी को अभी कॉल किए थे। तब से मैं मॉडिफाई ही करवा रहा हूं। अच्छा, तुम अपना गाड़ी मॉडिफाई करवा रहे हो, चलो पिछले 3 घंटा से मैं खड़ा हूं। अच्छा, 1 घंटा लगना चाहिए, वो तो टाइम लगेगा भाई, गाड़ी मॉडिफिकेशन नहीं है तो मार देता, व्लॉग में आ रहा है। और ये चेकआउट कीजिए गाइस, समीर का गाड़ी यहाँ पे थी, मॉड्स करवा रहा अपना। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए गाइस, भाई का अपना गाड़ी मॉडिफिकेशन चल रहा है, और व्हील कवर में लिखवा लिया ये V4 बॉय, और आगे में रेडी टू रेस पूरा मॉड्स करवा रहे हो। आई एम ऑलवेज रेडी। तो गाइस फाइनली हम ले चुके हैं अपना रोल ऑन का चेन स्पॉकेट, और देख सकते हैं गाइस यही पे चेन स्पॉकेट है, ये वाला चेन स्पॉकेट चेकआउट कीजिएगा। रोल ऑन का VIP DPR किट यही लगेगा गाइस मेरे MT पे, और मेरी MT सामने है। तो चलिए गाइस इधर से चलते हैं सीधे अपने फ्रेंड अंकित के पास। फाइनली हम ले चुके हैं रोल ऑन का चेन स्पॉकेट अपनी MT 15 के लिए, मतलब मेरी गाड़ी इधर देख सकते हैं। और अभी मैं आया हूँ अपने दोस्त अंकित के पास, और यहाँ पे अभी अंकित काम स्टार्ट करेगा, तो चलिए इसको अंकित को देते हैं, और उसके बाद काम स्टार्ट करवाते हैं। स्टैंड लग रहा है, और यहाँ पे अभी अंकित स्टैंड लगा रहा है, इसको अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि स्टैंड का जो रॉड है वो उनका भुला चुका है। रॉड लग जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, रॉड लगा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो। नहीं होगा।
देसी जुगाड़। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे देसी जुगाड़ लगा के हम लोग को अपना चेंज पॉकेट चेंज करना पड़ रहा है। नहीं ना गिरा अंकित? नहीं गिरा। आप तो ये पूरा सर्विस सेंटर वाला काम हो गया। देख सकते हैं गाइस पूरा यहाँ पे ईटा को पूरा एकदम ईटा को हम लोग यहाँ पे लगा दिए है। स्टैंड भी लगाया लेकिन ईटा भी लगा के हम लोग काम किए। खत्म हो गया है यहाँ पे। चेकआउट कीजिए गाइस कितना यहाँ पे पूरा पॉकेट खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। है ना उमेश भाई? अब पूरा खत्म हो चुका है गाइस। चेकआउट कीजिए, ये पूरा पॉकेट भी गर्म है और पूरा एकदम शार्प हो गया। इससे पूरा हाथ कटने का डर है। इसी को हम लोग को पूरा चेंज करवाना है। आप कमेंट करके बताइए गाइस ये गाड़ी कैसा लग रहा है। चेकआउट कीजिए, पूरा गाड़ी का पीछे का टायर खुल चुका है। अब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है गाइस। ये चेकआउट कीजिए कैसा हो चुका है गाड़ी अपना, अपनी क्यूटी कैसा दिख रही है पीछे से, ये चेकआउट कीजिए। पूरा यहाँ का टायर अलग हो चुका है और चेन भी अलग। गाइस फाइनली मेरा गाड़ी का काम हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी गाड़ी का स्पॉकेट भी चेंज हो चुका है। पूरा 2 घंटा लगा है गाइस, और देख सकते हैं सामने में, और मेरा दोस्त यहाँ अंकित यही किया है। गाइस फाइनली मेरा गाड़ी का स्पॉकेट लग चुका है और अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने इसके लास्ट वाले फोटेज में बोला कि मैं आपको रोड पे दिखाऊंगा, बट मेरा GoPro का बैटरी लो हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया स्पीड। लेकिन इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको स्पीड दिखाएंगे कि चेन स्पॉकेट लगाने के बाद स्पीड कैसा हो गया है। ऐसे तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाइस, लेकिन बैटरी लो हो गया था जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाया। तो कमेंट करके बताइए कि ये व्लॉग कैसा लगा गाइस, और अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज कैफ साइनिंग ऑफ।